गया तो कोतवाल की दबंग गई। थाने आए फरियादी को डांट कर भगाया। थाने में पीड़ित के साथ ही अभद्र बिना बुलाए थाना ना आने की सीख। रेप के मामले में तहरीर लेकर गया था पीड़ित। एसपी से यहां भी कर चुका मामले की शिकायत। कोतवाल ने पूरे मामले को बताया प्रायोजित, वादी प्रतिवादी लिखाना चाहते रेप का केस। कोतवाल, वादी प्रतिवादी आपस में सगे रिश्तेदार, इटिया थोक थाने के कोतवाल है संजय दुबे। हमें बुला लो। हाँ तुम ही बुला लो। तुम ही खड़े हो? हाँ। क्या आपका? मैं साफ दिखा रहा हूँ। वही पीछे रहो। वैसे बताओ क्या है? मुँह मुँह धुलते हो कैसे सुबह से करने चल देते हो? अरे नहाए धोए पूजा पाठ कह के तब चलना था। क्या आपका? तहरीर दिएगा। क्या है तहरीर दिएगा? खड़े हो तब शपथ पत्र दे दे शपथ पत्र दे जाएगा। तुम्हारे शपथ पत्र कैसी तैसी। अच्छा, जब एक बार तहरीर दे चुके उसकी जांच हो रही है, कब दिन रात थाने में खड़े रहोगे? तो कल आज आठ दिन पर बाहर खड़े खड़े बाहर निकल। जब दुनिया के हाथ से कप्तान साहब ने तक तहरीर दे चुके हो तो उसमें जा चुकी मौज लो थाने खड़े हो खड़े हो खड़े हो बाहर निकल थाने से जाओ। तमाशा बनाया थाना तमाशा बना हुआ रोज थाने खड़े रहोगे बिना बुलाए थाने माना मत जाओ बाहर निकल बाहर निकल। खाली बस एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तहरीर देते रहते थाना बना बाहर निकल जाओ। ठीक ठीक जाए। मेरा नाम नंदलाल मिश्रा है और मैं निटिया थोक थाने का रहने वाला हूं। और जब मैं यहां से सुबह गया था मेरे बहू के साथ दुराचार हुआ था और वहां गए तो देखे हमें जो तत्काल जब वहां से निकले क्वार्टर से तो मुझे गाली देने लगे कहें तुम बार बार यहां थाने पे क्यों आते हो है? और जो है सब गाली दे करके और मैंने कागज़ पत्र दिखाया कि साहब इसको देख लीजिए है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया कहें भग जाओ यहां से और नहीं बहुत मारेंगे तुम्हें बंद कर देंगे बस। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।